Finally, Rivalry video, it's back. Ladies and gentlemen. Well, so hey guys, welcome to the my channel. My name is Pankaj. So, this video, we're going to talk about the Undertaker versus Kane ke rivalry. So, inki rivalry kaise shuru hui thi? Puri rivalry ko hum log dekhenge. Well, so ye rivalry kuch parts mein hongi. So, ye first part hai. So, now let's start karte hain video ko. वेल तो जैसा कि तुम लोगों को पता है द अंडरटेकर वर्सेस केन एक बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक एंड बहुत ही खतरनाक एंड वन ऑफ द बेस्ट एटीट्यूड एरा में से राइवलरी रही है सो द अंडरटेकर वर्सेस केन वेल इस राइवलरी की शुरुआत हमें कहां से देखने को मिलती है वेल तो जैसा कि तुम लोग को बता दूं कि रॉ में हमें जो कि बैड ब्लड पे-पर-व्यू के पहले ही मतलब टीज किया जा रहा था कि हमें किसी सुपरस्टार का या फिर किसी रेसलर का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा जो कि मतलब टीज किया जा रहा था बार-बार रॉ में रॉ के एपिसोड्स में सो वेल हमें देखने को मिलता है जब बैड ब्लड में बैड Blood in your house 1997 में 5 अक्टूबर को जो कि पे-पर-व्यू था उसमें मेन इवेंट मैच था जो कि द अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल का वेल द अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल का एंड फर्स्ट एवर हेल इन अ सेल मैच हमें देखने को मिला था तो यहां पे द अंडरटेकर एंड शॉन माइकल बहुत ही अच्छे खासे तरीके से एंड बहुत ही अच्छा खासा वहां पे मैच लड़ रहे थे एंड यहां पे हो सकता था कि रिजल्ट निकलता था द अंडरटेकर यहां पे शॉन माइकल को हरा देते थे बट यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि अचानक से अंधेरा हो जाता है एंड अचानक से अंधेरा होने के बाद तो पायरो बहुत तेज फटता है एंड रेड रेड पूरा पायरो फटता है उसके बाद तो हमें पॉल बेरर देखने को मिलते हैं एंड पॉल बेरर के साथ-साथ हमें एक रेड कपड़ा पहने हुए बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर देखने को मिलता है पॉल बेरर उनको लेके आते हैं एंड वो सुपरस्टार और कोई नहीं वो सुपरस्टार द केन द बिग रेड मॉन्स्टर केन थे एंड केन को पॉल बेरर लेके आते हैं एंड इसके बाद तो हमें देखने को क्या मिलता है कि हेल इन अ सेल का जो दरवाजा था उसे केन तोड़ देते हैं एंड तोड़ने के बाद तो हेल इन अ सेल के अंदर घुस के यहां पे द अंडरटेकर को टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर मार देते हैं एंड टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर मारने के बाद तो वो चले जाते हैं रिंग से एंड इसके बाद इसकी वैसे शॉन माइकल द अंडरटेकर को हरा देते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग हमें वहां पे देखने को मिला एंड वहां पे हमें केन का डेब्यू देखने को मिला था वेल उसके बाद तो हमें अगले मंडे नाइट रॉ में क्या देखने को मिलता है कि जब हमें जो कि पॉल बेरर इंट्रोड्यूस कराते हैं केन को एंड केन को इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड कहते हैं कि ये उनके ब्रदर है द अंडरटेकर के लिटिल ब्रदर हैं केन एंड ये जो कि बदला लेने आए हैं क्योंकि जो केन है केन को जो मास्क पहनना पड़ रहा है क्योंकि केन का चेहरा जल चुका है द अंडरटेकर की वजह से सो वे इसी चीज का बदला लेने आए हैं द अंडरटेकर से केन सो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा खतरनाक रीजन देते हैं यहां पे पॉल बेरर वेल इसके बाद कहते हैं कि पॉल बेरर कहते हैं कि जो केन है वो अंडरटेकर की जो लाइफ है उसे हेल बना देने वाले हैं जो कि मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग यहां पे हमें देखने को मिला वेल इसके बाद तो द अंडरटेकर का भी हमें एक कैमियो देखने को मिलता है तो वेल अंडरटेकर उस कैमियो में बोलते हैं कि मैं अपने ओवेन ब्लड से मैं अपने खुद के ब्लड से मैं अपने भाई से मैं मैच कभी नहीं लड़ूंगा उनसे कभी नहीं लड़ना चाहूंगा सो वेल ऐसा द अंडरटेकर कहते हैं जो कि मतलब बेसिकली बहुत ही अच्छा थिंग देखने को मिलता है स्टोरी लाइन से वेल यहां पे अच्छी खासी शुरुआत हमें देखने को मिल जाती है एंड इसके बाद तो हर हफ्ते आके द केन जो कि बिग रेड मॉन्स्टर हमेशा किसी ना किसी को डिस्ट्रॉय करते हुए मिल जाते हैं एंड ऐसा हमें राइवलरी भी देखने को मिल जाता है मिक फॉली से बीच में उसके एंड इसके बाद तो फिर हमें जब इनका पहला फेस ऑफ देखने को मिलता है वेल पहला फेस ऑफ इनका हमें देखने को मिलता है 15 दिसंबर 1997 को जब केन मतलब जो द अंडरटेकर आते हैं रिंग के अंदर रिटर्न करते हैं अपना एंड रिटर्न करने के बाद तो हमें क्या देखने को मिलता है कि केन भी वहां पे आते हैं एंड उनके साथ जो पॉल बेरर रहते हैं वो दोनों जन मजबूर कर देते हैं द अंडरटेकर को मारने के लिए द केन से लड़ने के लिए एक मैच जो कि केन को मतलब द अंडरटेकर मारना नहीं चाहते एंड द अंडरटेकर नहीं लड़ते हैं मैच एंड द अंडरटेकर जाना चाहते हैं फिर भी केन यहां पे मजबूरन उनको थप्पड़ मार देते हैं एंड उसके बाद तो थोड़ा अटैक करने की कोशिश करते हैं द अंडरटेकर के ऊपर बट द अंडरटेकर काउंटर करके मारते नहीं है एंड इसके बाद तो वो रिंग छोड़ के चले जाते हैं द अंडरटेकर जो कि मतलब यहां तक तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था वेल इसके नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में हमें देखने को मिलता है जो कि 22 दिसंबर को था 1997 में उस रॉ में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब द अंडरटेकर एंड द रॉक का मैच होता है तो वेल द अंडरटेकर एंड द रॉक के मैच में बीच में केन आकर अटैक कर देते हैं द अंडरटेकर के ऊपर एंड बहुत ही खतरनाक वहां पे अटैक करते हैं द अंडरटेकर के ऊपर वेल इसके बाद अटैक करके चले जाते हैं वेल इसके बाद तो हमें क्या देखने को मिलता है 29 दिसंबर को अगले मंडे नाइट रॉ में 1997 में वहां पे क्या देखने को मिलता है कि जब बहुत सारे बंदे मिलकर अटैक कर रहे होते हैं केन के ऊपर वेल यहां पे द अंडरटेकर आके केन को बचाने की कोशिश करते हैं एंड यहां पे अंडरटेकर आके केन को बचा के फिर चले जाते हैं द अंडरटेकर जो कि मतलब बहुत ज्यादा अजीब था यहां पे जो कि केन लड़ना चाहते हैं अंडरटेकर से लेकिन यहां पे अंडरटेकर केन से नहीं लड़ना चाहते एंड अंडरटेकर
उल्टा केन को बचा भी रहे हैं, जो कि पिछले हफ्ते अंडरटेकर के ऊपर केन ने अटैक भी किया था, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी खासी स्टोरी लाइन यहाँ पे चल चुकी थी। वेल, इसके बाद तो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में, जहाँ पे 5 जनवरी 1998 में उस एपिसोड में पॉल बेरर कहते हैं कि यहाँ पे दी अंडरटेकर केन के माइंड के साथ खेल गए और यहाँ पे केन अभी उनको छोड़कर चले गए हैं पॉल बेरर को, एंड पॉल बेरर इस चीज को लेकर बहुत परेशान है एंड वो चाहते हैं कि केन वापिस आ जाए उनके साथ और होम पे। वेल, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वेल, इसके बाद तो हमें अगले रॉ में देखने को मिलता है, जो कि 12 जनवरी को रॉ था, वहां पे उस रॉ में हमें देखने को मिलता है कि जब दी अंडरटेकर मतलब दी अंडरटेकर डीएक्स से कन्फ्रंट करते हैं, तो उसके बाद डी जनरेशन एक्स अटैक कर देते हैं दी अंडरटेकर के ऊपर, जो कि इसके बाद तो हमें केन वहां पे आते हैं एंड केन आके वहां पे दी अंडरटेकर को बचाते हैं, एंड अंडरटेकर को बचाने के बाद तो दोनों भाई मतलब बहुत ही अच्छे खासे तरीके से हैंड रेस करते हैं एंड ऐसा लगता है कि दोनों भाई वापिस से मतलब अब साथ में हो चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं दोनों भाई। बट हमें क्या मालूम था कि अगले हमें रॉयल रंबल में क्या ही देखने को मिलने वाला है। वेल, इसके बाद तो रॉयल रंबल का दिन आता है, जब मैच था दी अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। वेल, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा मैच हमें देखने को मिला था। वेल, ये मैच जो था ये कास्केड मैच था, तो वेल यहाँ पे दी अंडरटेकर एंड शॉन माइकल का बहुत ही अच्छा खासा मैच हमें चलता है देखने को मिलता है। वेल, इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जब दी अंडरटेकर को सभी लोग मिलकर अटैक करने लगते हैं डीएक्स के, तो वहाँ पे केन वापिस से आते हैं एंड केन यहाँ पे आके बचाने की कोशिश करते हैं दी अंडरटेकर को, लेकिन हमें तभी अचानक क्या देखने को मिलता है कि केन सबको मारने के बाद तो फिर दी अंडरटेकर के ऊपर भी अटैक कर देते हैं एंड दी अंडरटेकर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अटैक करते हैं एंड उसके बाद अटैक करने के बाद तो उनको कास्केट में बंद कर देते हैं। वेल, इसके बाद तो हमें पॉल बेरर भी देखने को मिलते हैं एंड पॉल बेरर एंड द केन दोनों जन मिलकर कास्केट में लेकर दी अंडरटेकर को रैंप पर लाकर रॉयल रंबल में रैंप पर लाकर उनको उनके ऊपर एक मतलब पेट्रोल छिड़क के एंड उसके बाद तो कुल्हाड़ी से मार मार के उस कास्केट को एंड उसके बाद जो कि पेट्रोल छिड़क कर उसको जला देते हैं कास्केट को, जिसके अंदर दी अंडरटेकर थे। मतलब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था कि दी अंडरटेकर को कास्केट के अंदर बंद करके जो कि केन ने यहाँ पे जला दिया है। वेल, इसके बाद तो पूरा एरिना शॉक हो चुका था ये चीज देख के एंड उस टाइम पे तो एटीट्यूड एरा था, तुम समझ सकते हो मतलब कितना खतरनाक सीनेरियो था वहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिला था। वेल, इसके बाद तो हमें जो कि केन का एक अलग राइवलरी देखने को मिलता है वैडर के साथ में एंड इसके बाद जैसे ही राइवलरी खत्म होती है नो वे आउट से, वेल उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हमें 2 मार्च के मंडे नाइट रॉ में हमें देखने को मिलता है 1998 के मंडे नाइट रॉ में 2 मार्च के वहाँ पे जब केन और पॉल बेरर दोनों मिलकर 10 बेल मतलब 10 बेल बजवाते हैं जो कि दी अंडरटेकर के आत्मा की शांति के लिए, तो वेल उसी टाइम हमें क्या देखने को मिलता है। वेल, ऐसा था कि यहाँ पे केन सभी लोगों को परेशान कर दे रहे थे एंड सभी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वेल, इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि दी अंडरटेकर का बेल बजता है एंड इसके बाद हमें दी अंडरटेकर का वहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है एंड दी अंडरटेकर कास्केट के अंदर से ही रिटर्न करते हैं, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड इसके बाद कास्केट से रिटर्न करने के बाद तो यहाँ पे दी अंडरटेकर बहुत ही खतरनाक मैसेज देते हैं यहाँ पे केन को एंड इसके बाद तो वो रसलमेनिया 14 के लिए चैलेंज करते हैं केन को दी अंडरटेकर, जो कि इंटरेस्टिंग था। वेल, इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है अगले मंडे नाइट रॉ में, जहाँ पे 9 मार्च 1998 को दी अंडरटेकर केन एंड पॉल बेरर के साथ बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम खेलते हैं एंड इससे वार्निंग देते रहते हैं। वेल, इसके बाद तो हमें अगले मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलता है कि जब 16 मार्च 1998 को वहाँ पे दी अंडरटेकर जो कि माइंड गेम से जो कि केन का एक पुतला बना रहता है उस पुतले को वहाँ पे अपने जादुई शक्तियों से जला देते हैं, जो कि इससे वार्निंग देते हैं कि तुम्हारा यही भी हाल होने वाला है, जो कि रसलमेनिया के अंदर रसलमेनिया 14 में जो कि मतलब एक बहुत ही अच्छा खासा वार्निंग दे दिया था यहाँ पे केन को। वेल, इसके बाद तो 23 मार्च अगले मंडे नाइट रॉ में हमें क्या देखने को मिलता है कि द बिग रेड मॉन्स्टर केन भी वहाँ पे दी अंडरटेकर को भी अपना सुपर नेचुरल पावर दिखाते हैं एंड यहाँ पे पॉल बेरर भी कहते हैं कि केन भी यहाँ पे दी अंडरटेकर को बहुत ही अच्छे खासे तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वेल, इसके बाद तो हमें जब रसलमेनिया 14 का टाइम आता है दी अंडरटेकर वर्सेस केन का हमें मैच देखने को मिलता है, दी अंडरटेकर एंड केन का मैच की शुरुआत होती है। वेल, केन के मतलब शुरुआत ही में हमें देखने को मिलता है कि केन अनाउंसर के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। वेल, इसके बाद हमें दी अंडरटेकर देखने को मिलते हैं एंड दी अंडरटेकर वर्सेस केन दोनों का मैच होता है रसलमेनिया 14 में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड यहाँ पे दी अंडरटेकर केन को हराने की कोशिश कर रहे थे, बट दी अंडरटेकर मतलब यहाँ पे केन को जल्दी हरा नहीं पा रहे थे एंड केन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे दी अंडरटेकर को एंड यहाँ पे दी अंडरटेकर वो केन को 2 टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर लगा देते हैं, फिर भी जो कि केन किक आउट कर देते हैं एंड इसके बाद दी अंडरटेकर तीसरा जो कि टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाते हैं एंड इसके बाद केन को वो हरा देते हैं इस मैच में। एंड हराने के बाद तो हमें क्या देखने को मिलता है कि केन वापस से अटैक
अटैक कर देते हैं दी अंडरटेकर के ऊपर। वेल तो रसलमेनिया 14 में यहाँ पे दी अंडरटेकर ने केन को हरा दिया था, एंड इसके हराने के बावजूद भी केन को मतलब अभी तक ये राइवलरी जो कि ख़त्म नहीं हुई थी, ये राइवलरी और भी आगे चलती है क्योंकि केन यहाँ पे दी अंडरटेकर को एक बार फिर से टॉमस्टोन पाइल ड्राइवर दे देते हैं, जो कि आई थिंक ये राइवलरी और भी चलती है। तो वेल ये राइवलरी का पार्ट टू भी आएगी, जो कि इसमें कम से कम अगर तुम लोग 20 लाइक कर दोगे तो इस वीडियो पे, तो वेल बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड अगर अगला पार्ट चाहते हो, पार्ट टू चाहते हो केन एंड दी अंडरटेकर की राइवलरी का, तो 20 लाइक कर देना। तो वेल अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना कर सकते हो। एंड हाँ, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।